हम लोग रियल अप्रोप्रिएशन क्यों पढ़ते हैं? जब फाइनल अकाउंट हम लोग कर रहे थे तब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट था उससे हम लोग क्या मिल रहा था? ग्रॉस प्रॉफिट। और पीएल अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में जाता था। पीएल से क्या मिल जाता था? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता था? बैलेंस शीट के लायबिलिटी सेक्शन में, कैपिटल में जा कर के ऐड हो जाता था। ऐड नेट प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस होता था तो नेट लॉस हो जाता था। एग्जैक्टली यही होता था ना, बैलेंस शीट में जा कर के यही आता था। लेकिन अब पार्टनरशिप में दिक्कत क्या है? देखो, पार्टनरशिप में यहाँ पे जो पार्टनर है एक से ज़्यादा है, राइट? तो जाहिर सी बात है कैपिटल अकाउंट सब लेकर के आएंगे। अगर कैपिटल लेकर के नहीं आएगा तो पार्टनर किस बात की? तो यहाँ पे तीन कैपिटल अकाउंट बनेगा या मोर देन वन बनेगा। तो जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में जाएंगे, तब हमारा पास कैपिटल कैसा होगा? जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है तो ए कैपिटल होगा, बी का कैपिटल होगा, फिर सी का कैपिटल होगा। तीन पार्टनर है तो ये तीन तरह का कैपिटल आएगा आपके सामने। अब आप मुझे बताओ कि जो इसमें भी आप पार्टनरशिप में भी आप यही फाइनल अकाउंट बनाओगे, इसका भी फाइनल अकाउंट इसी तरह बनेगा, ट्रेडिंग बनेगा, इसमें भी तो वैसे ही प्रोसेस होगा ना, ट्रेडिंग फिर पीएल। इससे जो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा, ये तो हमारा कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो अब बताओ किसको दोगे, ए को, बी को या फिर सी को? नहीं पता ना। यही चीज़ हम लोग जानने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, जो नेट प्रॉफिट या फिर लॉस जो आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीनों पार्टनर के बीच में ए का कितना हिस्सा, बी का कितना हिस्सा और सी का कितना हिस्सा देने के लिए, जैसे मान लो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन करते हैं या पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग पढ़ते हैं।